और आज मैं साबुन से कर रही किचन साफ, क्योंकि मेरा कोलिन है वो ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं कब लेकर आएंगे, वरना मैं इन्हें कोलिन से साफ करती हूँ। हम जा रहे हैं घर, और अब तो 2-3 दिन से परी पैदल पैदल जाते हैं, वरना पूरी राइड होती जाती थी। यहाँ पर और सब्जी में बनी आज तोरी, और इसको लेकर घर में बहुत जो नोक झोंक है वो हुई, क्योंकि तोरी और के बर्तन सारे साफ़ हो चुके थे, मैं इन्हें ऊपर लगा रही थी। और ये बर्तन स्टैंड भी एक बहुत बड़ी आफत बन गया अब, क्योंकि उसके बाद मैंने यहाँ पर आलू में भी तड़का लगा लिया, और कचौरियाँ बहुत ही टेस्टी बनी थी खाने में। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, करते हैं एक और नए व्लॉग की शुरुआत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस विक्रेता व्लॉग्स में। तो जी, अभी देखो मैं कर रही अपनी किचन साफ़, और आज मैं साबुन से कर रही किचन साफ़, क्योंकि मेरा कोलिन है वो ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं कब लेकर आएंगे, वरना मैं इन्हें कोलिन से साफ करती हूँ। और आज है परी के स्कूल में PTM, तो मुझे वहाँ भी जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ पहले। तो देखिए जी, मैं जा रही हूँ अच्छे से, और अकेले जाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बातें करते जाओ तो थोड़ा और भी अजीब लगता है, लेकिन अब ये मेरा काम बन चुका है, मुझे ये करना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरी साड़ी का पल्लू बार बार में उतर रहा था, क्योंकि जिसने ये साड़ी तैयार करी थी उसने बिल्कुल ख़राब करके दी थी मुझे ये साड़ी। इसकी जो प्लेट्स है उसमें से जो बाजू है वो निकाल के फेर लगा ली थी, इसलिए साड़ी छोटी हो गई है बहुत ज़्यादा। जी, अभी हम जा रहे हैं घर, और अब तो 2-3 दिन से परी पैदल पैदल जाते, वरना पूरी राइड होती जाती थी। तो जिस स्कूल से आने के बाद मैंने कोई क्लिप शूट नहीं की, और अभी है शाम का टाइम, और मैं बना रही थी सब्जी यहाँ पर, और सब्जी में बनी आज तोरी, और इसको लेकर घर में बहुत जो नोक झोंक है वो हुई, क्योंकि तोरी और टिंडे और घिया मेरे हस्बैंड नहीं खाते, और कोई सब्जी बनाए तो मेरे देवर नहीं खाते। सुबह मैंने ग्वार की फली बनाई थी तो मेरे देवर ने खाना नहीं खाया, और रात में जब तोरी की सब्जी बनी तो इन्होंने सब्जी नहीं खाई, तो मम्मी गुस्सा हो गई कि कल से अपने आप ही ले आया करो अपनी सब्जी, मैं नहीं ला करके दूंगी। सबके नखरे रहते हैं, और हमारे घर में हमेशा ऐसा ही होता है, अगर घिया तोरी टिंडे भिंडी बनेगी तो मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, अगर पेठा करेला बैंगन ग्वारफली और 2-3 सब्जियां और है जो ये बनेगी तो मेरे देवर नहीं खाएंगे, बस मम्मी पापा ऐसा है जो कि हर सब्जी खा लेते हैं। तो इसी को लेकर बार बार मैं घर में नोक झोंक सी होती रहती है। तो देखिए जी, अभी मैं करने लग गई यहाँ पे बर्तन साफ, जो चाय के बर्तन थे और खाना बनाने के। और मैं पहले फटाफट से इन बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे करनी है किचन को क्लीन, क्योंकि अभी आज मेरा फास्ट है फिर से, और उसके फलियार बनाना है। तो देखिए, बर्तन सारे साफ़ हो चुके थे, मैं इन्हें ऊपर लगा रही थी, और ये बर्तन स्टैंड भी एक बहुत बड़ी आफत बन गया अब, क्योंकि मेरे हाथ तो सारे बर्तन आराम से आ जाते हैं, लेकिन मम्मी के हाथ नहीं आते, तो वो मुझे बार बार मैं बुलाती रहती, जब भी उन्हें कुछ लेना होता है तो बुलाती है कि मेरे को ये दे वो दे। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर मेरी देवरानी भी अगर थोड़ी कम हाइट की आई तो कैसे काम चलेगा, फिर हमें स्टैंड वापस नीचे लगवाना पड़ेगा। लेकिन मेरे हाथ तो सारे बर्तन आराम से कंफर्टेबली आ जाते हैं, इसी मैं सबसे ऊपर से उतारूं, बस मम्मी प्लेट तक के बर्तन उतार सकती है, इससे ऊपर मम्मी के हाथ नहीं आते। तो मम्मी मुझे बार बार मैं बोलती रहती है, और जो लाइट का स्विच है वो भी ऊपर लगा देते, मम्मी को उसे लगाने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो देखिए जी, अभी मैंने जो अपनी गैस है वो क्लीन कर लूँगी, और अभी एक थैली दूध मंगाया था परी से सामक बनाने के लिए, तो मैंने सामक को रख दिया बनने के लिए, और अभी निकाल लेती झाड़ू, क्योंकि जब तक किचन पूरी अच्छी से ठंडी होगी, मैं वैसे जल्दी से गरम गरम टाइल्स या किचन में जो गैस वैसे उस पर पोछा नहीं लगाती। तो अभी देखो बाहर चूड़े बेचने वाला आया था, तो हम सब चूड़े लेने गए थे। तो देखिए जी, आप भी देख लीजिए, और ये सारे चूड़े 100 रुपये में ये दे रहा था, और अभी देखो गैस एकदम से ठंडी हो गई है। फलियार बनाने से पहले मैं इसे साफ़ कर लूँगी, या कोई भी फास्ट हो तो मैं उसमें पहले उसका खाना बनाने से पहले मैं अपनी जो गैस स्टोव है और जो स्लैब है उसको साफ़ करती हूँ, ताकि उसमें कोई भी अन्न का दाना ना रहे, और वो अछूती गैस पर ही मैं अपना जो फलियार का जो कुछ भी बनाना होता है वो बनाती हूँ। देखिए जी, अभी नीली भी रोने लग गई थी, मैंने पहले उसको खिलाया थोड़ी देर, और फिर उसके बाद मैं अभी दोबारा से किचन में अपना काम करने। तो जी, अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ, और मेरा फिर से बीपी लो हो गया था आज, क्योंकि दिन में पूरे दिन लाइट नहीं थी तो एसी भी नहीं चल पाई, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, और ऊपर से फास्ट भी था। और अभी मैं सुबह के टाइम ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि जब मेरे पति को शाम को पता चला कि मेरा बीपी लो है,
तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा कि हर बार तेरी जीत चलती रहती है, दवाई तो लेती नहीं है, व्रत करना है ये वो। और इसीलिए गुस्सा होकर मैंने रात में वॉइस ओवर नहीं किया आज, और फिर मैं अब सुबह सुबह कर रही हूँ अपनी वॉइस ओवर। और आपको पता है जब किसी भी लेडीज के साथ लड़ाई होती है तो उसे इतना गुस्सा तो आता ही है कि वो काम करना बंद कर देती है, बस उसका गुस्सा बढ़ ही जाता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए जी, अभी मैं बना लेती हूँ कचौरियाँ, और ये कुट्टू के आटे की कचौरियाँ, क्योंकि आज मेरा फलियार से पेट नहीं भरने वाला और मुझे उसके बाद लेनी है दवाई, तो इसलिए मैंने कुट्टू का आटा मंगाया था। तो देखिए अभी मैं धीरे धीरे करके सारी कचौरियाँ सेक लूँगी। आप भी बना सकते हैं ऐसे। पहले मैंने इसके अंदर आलू के अंदर काली मिर्ची, नमक और धनिया पाउडर, धनिया जो हरा धनिया है वो डाल के और इसके अंदर डाल लिया, और ऊपर से कचौरियाँ बना ली। तो बीच में ना रिद्दी रोने लग गई थी तो आटा थोड़ा सा गीला गीला सा हो गया था, तो इसलिए कचौरियाँ थोड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं बनी, तो छोटी छोटी सी बनी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर आलू में भी तड़का लगा लिया, और कचौरियाँ बहुत ही टेस्टी बनी थी खाने में। आप भी बना के देखना, सच्ची में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और उसके बाद जो फलियार बनाने के बर्तन थे मैं उन्हें भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले अपनी पूरी किचन को साफ़ करने के बाद ही खाना खाने के लिए बैठती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर किचन बिखरी हुई है तो मेरा सारा ध्यान वहीं पर रहता है कि मेरी किचन अभी भी गंदी पड़ी हुई है। तो देखिए जी, यहाँ पर अपनी प्लेट लग चुकी है, और प्लेट पे मैंने लगाया कचौड़िया, खीर जो सामक के बनाई थी, आलू और दही। तो अभी मैं पहले जो भगवान जी के लिए निवाला निकालते वो निकाल लेती हूँ। तो चलिए जी, करते हैं इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।